फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरआरबी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? फर्स्ट राइट आंसर इज डी, मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। सेकंड क्वेश्चन, पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्य शोधक समाज का कार्यक्रम था पिछले वर्गों का उत्थान। सेकंड का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। व्यक्त किया था मौलाना आज़ाद ने। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? फोर्थ राइट आंसर इज बी, 1928 में। 1927 में इसका ऑर्डर आया था, बट 1928 में आया था भारत। नेक्स्ट इज, बानर सेना और मंजरी सेना संबोधित है? राइट आंसर इज डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। बानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य ग्रहण में पूरे सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होगी? सिक्स राइट आंसर इज बी, 7 मिनट 40 सेकंड में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई पड़ता है? सेवन्थ राइट आंसर इज बी, 21 मार्च को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट इज, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? एट्थ राइट आंसर इज भारत। भारत जो है सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? नाइन्थ राइट आंसर इज डी, इटली। इटली में सबसे ज़्यादा सेब उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट इज, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का नौसैनिक अड्डा है। नेक्स्ट इज, कौन सी नदी ब्रश घाटी से बहती है? इलेवेंथ राइट आंसर इज डी, राइन। राइन नदी ब्रश घाटी से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? थर्टींथ राइट आंसर इज बुलर झील, जो है सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, और ये मीठे पानी की झील है, परिवार नियोजन का प्रतीक है। 14th राइट आंसर इज सी, लाल त्रिकोण इज साइन ऑफ परिवार नियोजन। नेक्स्ट इज, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? 15th राइट आंसर इज सी, रूस। क्रेमलिन जो है रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट इज, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? 16th राइट आंसर इज रैंड। रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? 17th राइट आंसर इज एमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड रूप में होता है। कौन सा असत्य फल है? 18th राइट आंसर इज सभी, असत्य फल है सभी। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट इज, धान के प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण है? 19th राइट आंसर इज जस्ता की कमी। जस्ता की कमी से धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है?
अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? 20th राइट आंसर इज डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरेनियम का परमाणु भार है? 21 राइट आंसर इज बी, 238। नेक्स्ट इज साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, बी इज राइट आंसर। 22 का बी, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दक्षिण भारत। 23 राइट आंसर इज गोदावरी बेसिन। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण में सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी पर, नदी के मुहाने पर स्थित है? 24 राइट आंसर इज हुगली। हुगली के किनारे कलकत्ता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? 25th राइट आंसर इज डार्लिंग, डालरिंग। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 26th राइट आंसर इज सी, 1804 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? 27th राइट आंसर इज 1821 डी। मापतोल की दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है? 28th राइट आंसर इज बी, फ्रांस। डांडी यात्रा कब की गई? 1930 ईस्वी में। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? 30th राइट आंसर इज ए, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के बाद मृत्यु हुई थी क्योंकि साइमन कमीशन में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज को वो सह नहीं पाए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।